जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम बचा हुआ है। इस टाइम पे बहुत सारे सवालात रहते हैं आप लोगों के मन में। जब हम लोग जेई दे रहे थे अपना, तो हमारे मन में भी बहुत सारे सवाल होते थे। उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ अमन भाई हैं। वेलकम अमन भाई। धन्यवाद अजय भाई। अमन भाई हमारे बहुत सारे वीडियोज़ में आए हैं, बट उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, शायद नहीं जानते होंगे अमन भाई के बारे में। तो अमन भाई अपना थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सो हेलो एवरीवन, आई एम अमन एंड करंटली आई एम परसुइंग इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स डिग्री फ्रॉम NIT सूरत एंड आई एम फ्रॉम देहरादून उत्तराखंड। और आज इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में हम बहुत सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं, और जो बच्चों के 15 दिन रिमेनिंग है किसमें IIT JEE एग्जामिनेशन में, उसमें आपको प्रोडक्टिव काम कैसे करना है उस पर डिस्कस करने वाले हैं फिलहाल। जैसे कि अमन भाई ने बोला प्रोडक्टिव करना है, अभी 2 हफ्ते का टाइम बचा हुआ है, तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। सबसे पहला सवाल अमन भाई ये है कि क्या अभी जो 2 हफ्ते का टाइम बचा हुआ है उसमें हो सकता है क्या? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और इस प्रश्न का जवाब अजय भाई मैं थोड़ा शायरी से देना चाहूँगा। जी, शायरी कुछ इस प्रकार से है कि लाख दलदल हो मेरे दोस्त पर पाँव जमाए रखना, लाख दलदल हो मेरे दोस्त पर पाँव जमाए रखना, हाथ खाली सही पर उठाए रखना, हाथ खाली सही पर उठाए रखना, कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, बस बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। जो इसमें सीक्रेट छुपा हुआ है ना, उसको आप एक बार समझ गए तो आप कभी भी हिम्मत नहीं हारोगे। अमन भाई पहला क्वेश्चन मेरी तरफ से है, बिल्कुल, कि बहुत सारे बच्चे अभी वन शॉट वीडियोस देख रहे हैं, आप क्या सजेस्ट करोगे वन शॉट वीडियोस देखना चाहिए? बिल्कुल, जो आपने पहला प्रश्न उठाया ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे अभी देख रहे हैं ना, काफ़ी बच्चे मैं क्या देखता हूँ लास्ट के टाइम पे ना वन शॉट के पीछे भागते हैं। ये सोचते हैं यार जो साल दो साल में हमने जो इन चैप्टर को पढ़ा नहीं, अब हम वन शॉट से उन चैप्टर को कवर कर लेंगे, तो ये बहुत गलत माइंडसेट है। यहाँ जो ये JEE की भीड़ है, इसमें 12 लाख जो एस्पिरेंट है ना, हर बच्चे का अपना अपना अलग अलग माइंडसेट है। अभी बच्चा क्या सोचता है कि यार वन शॉट करके हो जाएगा, अरे मेरे भाई जो चैप्टर आपने पहले पढ़े ही नहीं है उन्हें आप कैसे लास्ट के दिनों में वन शॉट से कवर कर लो। आप वन शॉट देखो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा वन शॉट कौन सी देखो, रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो, कभी लाइव फॉर्म में मत देखो, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो वन शॉट आप देख रहे हो ना, ट्राई करो उन चैप्टरों की देखो जो आपने पहले पढ़ लिए हैं, ट्राई टू यूज द वन शॉट एज अ रिवीजन, रिवीजन की तरह से उन्हें यूज करो। बहुत से बच्चे जो नए चैप्टर जिन्होंने वो पढ़े ही नहीं, वो वन शॉट से कवर करने का प्रयास करते हैं, तो वो बहुत गलत चीज है जय भाई। और JEE का जो सीक्रेट फंडा है अमन भाई, वो ये टेस्ट नहीं करता कि आपको थ्योरी कितनी पता है, आपको जो पता है नॉलेज है उसको आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल ये बहुत मैटर करता है। जो आप वन शॉट वीडियोस देखने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, वेस्ट ही बोलूंगा अमन भाई, क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब अपन वन शॉट स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या छोटी छोटी चीजें बताते हैं कि मूल कॉन्सेप्ट क्या, एक मूल बराबर इतना होता उतना होता है, उसमें क्या लगता है बच्चों को, अरे ये तो सिंपल सी चीजें हैं, फिर वो उसका जो फोकस होता है ना वो घट जाता है। मैं यहाँ पे क्या सजेस्ट करूंगा कि जो टॉपिक्स आपको नहीं आ रहा है, टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक या कोई कॉन्सेप्ट हो गया, उसके आप वीडियोस देख लो या थोड़ा सा थ्योरी रिवाइज कर लो नोट्स वगैरह से अच्छे से, एंड उससे रिलेटेड ही आप 4-5 क्वेश्चन कर लोगे तो वो भी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। भागना बिल्कुल भी नहीं है किसी भी कॉन्सेप्ट से जो आपको नहीं बन रहा है। दूसरा क्वेश्चन अमन भाई कि कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए बच्चों को? ओके, तो अजय भाई इस प्रश्न का उत्तर मैं 2 कैटेगरी के बच्चों के लिए देना चाहूंगा। पहली वो कैटेगरी जो बच्चे अपने आप को समझ रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट वाला अटेम्प्ट है वो बहुत अच्छा गया है, यानी अराउंड 99-98% के आसपास अगर कोई बच्चा है, तो यानी उस बच्चे को अभी स्पीड और एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा फोकस रखना है। तो उन बच्चे को तो मैं कहना चाहूंगा भाई आज मॉक टेस्ट दो, आज ही उसका एनालाइज करो और कल के दिन उसका रिविजन करो, सॉरी रिविजन नए टॉपिक का भी करो या किसी भी चीज का रिविजन करते रहो, यानी अल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट देने उन बच्चों को। दूसरी कैटेगरी में उन बच्चों की बनाना चाहूंगा अजय भाई इसमें कि वो बच्चे जिन्हें अभी भी सब्जेक्ट नॉलेज थोड़ा कम है, यानी थोड़ा कॉन्सेप्ट्स पे पकड़ कमजोर है, उन बच्चों को मैं चाहूंगा कि यार ज्यादा मॉक टेस्ट पे अपना टाइम वेस्ट मत करो यार, वो नया क्वेश्चन देख के कोई फायदा ही नहीं जब आपको उससे रिलेटेड थ्योरी ना पता हो। हफ्ते में 2 ही मॉक टेस्ट दो, क्योंकि मॉक टेस्ट देना भी जरूरी है ताकि आपको यह पता लगे सके कि यार टाइम के साथ कैसे खेलना है। अल्टीमेटली यू हैव 3 आवर इन द एग्जामिनेशन एंड यू हैव टू डील विद 75 क्वेश्चन इन दैट पर्टिकुलर 3 आवर, तो आपको कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना है। तो आप लोग क्या करो, हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट दो, लेकिन ट्राई टू एनालाइज द मॉक कि किस सेक्शन में मैं अभी भी वीक हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई गेस। और टेस्ट को एनालिसिस कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, वैसे अमन भाई बताना चाहें तो आप बता सकते हैं।
टेस्ट को एनालाइज करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है यार, कि मान लो यार जो 75 जो आपके क्वेश्चन आए हैं उसमें से तो मान लो आपने 40-45 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, तो आपको अब ट्राई करना है कि यार जो 40-45 क्वेश्चन हो गए इनमें से जो ये रिमेनिंग क्वेश्चन थे जो मैं नहीं कर पाया, किस कारणवश नहीं कर पाया, क्या मेरी थ्योरी वीक थी, क्या जो मैंने पढ़ा था वो मैंने अच्छे से रिवाइज नहीं किया, दैट इज वाई आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म इन दैट पर्टिकुलर मॉक टेस्ट, वो आपको एनालाइज करना है और देखो कि कौन कौन से सेक्शन मेरे अभी भी वीक रह गए हैं, उनको जाओ अपनी थ्योरी से रिवाइज करो, जो भी आपने उस टाइम रिसोर्सेस यूज किए होंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने के लिए उसे फिर से देखो और ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम बाय योर ओन, क्योंकि मेरे भाई अगर आप सॉल्यूशन देखोगे उस टाइम पे तो आपको खुद फील होगा कि यार वो थोड़ी देर तक ही याद रहता है, लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को खुद बनाओगे ना तो वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा और कहीं ना कहीं वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको सीखने को मिलेंगे। फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप पूरा वन शॉट देख रहे हो ना तो वन शॉट देखने का ज्यादा कुछ फायदा नहीं है, यही आप मान लो कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उसी से रिलेटेड आप वीडियो देख सकते हो कि हाँ ये जो क्वेश्चन गलत हुआ इस कॉन्सेप्ट से है, सो ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से नहीं आ रहा तो उसको जाके रिवाइज कर लो, ना कि पूरा चैप्टर शुरू से, कहीं ना कहीं टॉपिक वाइज के साथ ज्यादा डील करो। अमन भाई सब बोलते हैं कि रिवीजन करो और बच्चों को भी पता होता है कि लास्ट में रिवीजन करना है, बिल्कुल, बट कैसे करना हो, कैसे इफेक्टिव रिवीजन हो वो आप अपने एक्सपीरियंस से बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मेरे हिसाब से जो रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है जो भाई वो होता है क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एनएलएम, जो हमारा फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स है एनएलएम के, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उसमें क्या होता है आपको पता है फॉर्मूला एक ही, उसमें फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन उस पर्टिकुलर फॉर्मूले में न जाने कितने क्वेश्चन बन जाते हैं और उन क्वेश्चनों का सामना आपको करना आना चाहिए तभी आप उन्हें पेपर में कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं अगर बच्चा क्या करता है सिर्फ उसकी थ्योरी पढ़ रहा है, भाई उसमें थ्योरी कुछ नहीं है, वो चीजें आपको सीखने को तब मिलेगी जब आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है, उन क्वेश्चनों के थ्रू कंसेप्ट को समझने का प्रयास करो, कहां पे आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है, कहीं पे कहां पे आपको न्यूटन की पहली इक्वेशन लगानी है, कहां पे दूसरी, कहां पे तीसरी, कहां पे आपको रोटेशन लगाना है, तो वो चीजें आपको तब फील आएगी मेरे भाई कि जब आप क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे उन पे कंसेप्ट को सीखने का प्रयास करोगे, ना कि सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ते रहोगे। दिस इज द बेस्ट वे। अब देखो क्वेश्चन करने के दो फायदे हैं आपके, पहला फायदा तो ये है कि यार आपका रिवीजन भी हो गया उस कंसेप्ट का, ठीक है, और दूसरा फायदा है कि उस पर आपने बेस्ड एक क्वेश्चन भी कर लिया, अल्टीमेटली यू हैव टू फेस अ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन ना, तो आपने दो एक तीर से दो निशाने मार दिए ऐसा समझो यहाँ पे। और थोड़ा सा आप इसमें ऐड भी कर सकते हो कि माइंड मैप के थ्रू रिवाइज कर सकते हो, बट वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे। माइंड मैप में आपने देख लिया कि हाँ माइंड मैप एक रात दो रात पहले होता है कि फॉर्मूले को देख लो, बाकी जो इफेक्टिव रिविजन है ना जिससे आप क्वेश्चन कर पाओगे, अपने मार्क्स इंक्रीज कर पाओगे, वो है क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करना, सिंपल सी बात। एक और चीज इसमें ये हो सकती है जब भाई जैसे जो कुछ नए नए चैप्टर है ना, अब देखो यार हमें नहीं पता यार कौन सा चैप्टर पेपर में कठिन आ जाए, कौन सा चैप्टर आपका पेपर में आसान आ जाए। जैसे बच्चे मैथ्स में परमुटेशन कॉम्बिनेशन से डरते हैं, प्रोबेबिलिटी से डर जाते हैं, लेकिन मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यार जो छोटे छोटे ये जो चैप्टर है ना इनके ना कम से कम फॉर्मूले तो एटलीस्ट देख के जाओ। जैसे फिजिक्स में मैंने बहुत चीज ऑब्जर्व की भाई, अगर आपको कहीं कहीं पे फॉर्मूला भी अगर याद हो ना तो आप उस कंसेप्ट को ले आओगे। जैसे कोई फॉर्मूला है आपको पता है उस पर बस आपको वैल्यू डालनी और आंसर निकालना है, तो उन चैप्टर को बिल्कुल भी मत छोड़ना। मतलब आपको ऐसा नहीं कि पूरा ही उसमें पीएचडी करने लग गया लास्ट के टाइम पे, ट्राई ये करो कि कम से कम फॉर्मूले, जैसे वो सेमीकंडक्टर वाला पीछे चैप्टर है, ठीक है, तो उसकी ज्यादा कोई वास्ट थ्योरी है नहीं, उसमें कुछ फॉर्मूले उनके बेसिस पे क्वेश्चन है और थोड़ा सा थ्योरी भी है उसमें पर्टिकुलरली, तो आपको क्या करना है फॉर्मूले देखने और ट्राई करो उन पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, एटलीस्ट उन्हें देख के चल जाओ कि आप यार आपकी शिफ्ट में आसान सा ही क्वेश्चन टपक जाए उस पर्टिकुलर चैप्टर का जिसको आप छोड़ रहे हो और जिसमें बाकी बच्चे चार मार्क्स आपसे आगे निकल जाएंगे। यहाँ पे एक एक मार्क्स की बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाती है लास्ट में। क्योंकि तो गाइज लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि जब एग्जाम हॉल में जाना तो मार्क्स को माइंड में रख के मत जाना, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था अमन भाई, 250 मार्क्स में भी बच्चों की 99% बन रही है एंड 150 मार्क्स में भी। सो आपको क्या करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एंड यदि ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा इजी आए हैं कंपैरेटिवली, सो आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है, बट इसके चक्कर में सिली मिस्टेक मत करना। सो अमन भाई यदि आप लास्ट में कुछ ऐड करना चाहेंगे। एड बिल्कुल अजय भाई, क्योंकि देखो यार ये अप्रैल वाला जो अटैम्प होने वाला है कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा रिलेटिवली टफ होने वाला है इन अ टर्म्स ऑफ कंपटीशन, बिकॉज जनवरी वाले अटैम्प के मुकाबले इसमें कंपटीशन बढ़ने वाला है, इस बात की गारंटी है, क्योंकि भाई हर किसी की प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है, और सबकी प्रिपरेशन एक ही डायरेक्शन में हो रही है, तो सारे वैक्टरों का अगर मैं सम करूँ तो सारा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है देखा जाए तो, है ना, रिजल्टेंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। पर आपको घबराना नहीं है अपने, आपको फिर भी कॉन्फिडेंट रखना है कहीं ना कहीं, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने जितनी भी बातें डिस्कस की है उनको बिल्कुल
कान खोल के सुनना है सबसे पहली बात तो, और सब पे अमल करना है अपने आप को, ठीक है, और सारी बातों को फॉलो करना है, और कहीं ना कहीं आप अपना 15 दिन में भी बेस्ट कर सकते हो, मेरे को बिल्कुल आप पे भरोसा है। और इस माइंडसेट के साथ बिल्कुल भी मत जाना कि यार पहला वाला मेंस तो गड़बड़ा गया, अब ये वाला मेंस भी क्या ही हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है मेरे भाई। क्या पता ये वाला मेंस आपके फेवर में हो, क्या पता इस वाले में ऐसा कुछ आ जाए जो आपने पढ़ा हो, कोई नहीं जानता, लेकिन आपको अपना बेस्ट करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और उम्मीद मत हारो, अभी भी 15 दिन बाकी है, बेस्ट करके दिखाओ। यदि आपने अच्छे से 50% 60% भी सिलेबस किया है ना, तो समझ लो उसमें कोई सा भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने गलत कर दिया या सिली मिस्टेक कर दिया, उतना तो आपको पक्का करके ही आना है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, होप नहीं हारनी है, अच्छा ही होगा।